दुर्ग जिले के ग्राम तिरगा पंचायत के सरपंच और सचिव रोजगार सहायक पंचायत के अंतर्गत हो रहे मतदाता के कार्यों में फर्जी मास्टर रोल तैयार कर शासकीय राशि का गलत उपयोग कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़ा के सामने आने पर पंच और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। आपको बता दें कि नियमित पंचायत कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर अजय देशमुख और चपरासी ने फर्जी मास्टर रोल तैयार कर रोजगार गारंटी का पैसा हजम कर ली है। इस जानकारी को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच से बात करनी चाहिए तो कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा। शिकायतकर्ताओं की माने तो पूरे प्रकरण में सरपंच ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भ्रष्टाचारी सरपंच को गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचारी सरपंच को गिरफ्तार करो, गरीब मजदूर हक मारने वाले सरपंच को गिरफ्तार करो, सचिव रोजगार सहायक को गिरफ्तार करो, ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार करो, सचिव को गिरफ्तार। तिरगा के जो सरपंच है घसियाराम देशमुख, वह भारत सरकार के पैसा में इतना बड़े धांधली करे है, जेकर ऑनलाइन के माध्यम से हमें जानकारी मिली। और विषय ये है कि मनरेगा जो हमारे योजना चला थे भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के, उनमें जो व्यक्ति गे नहीं है काम करे बर, वैसन व्यक्ति ला लाभ पहुंचा के कमीशन खोरी के काम ग्राम पंचायत के सरपंच करे है और पंचायत सचिव और ओकर पूरा टीम के साथ मिलके वो पूरा संरक्षण में वहाँ करे है। और इनमें सबसे बड़े विषय ये है कि ये जो सरपंच है घसियाराम देशमुख, वह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते और इनमें सीधा सीधा श्रेय दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विधायक ताम्रध्वज साहू और छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है कि पूरा संरक्षण है। और सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जो कार्य किए ही नहीं हैं उनके नाम से अवैध रूप से पैसा का आहरण किया गया है, जो हमारे मोबाइल ऐप से भी प्रमाणित है और पूरे गांव वालों के समक्ष प्रमाणित है कि उन्होंने गलत काम किया है। दूसरी बात, पंचायत के जो नियमित कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में है अजय कुमार देशमुख करके नाम एक लड़के का, और एक पंचायत चपरासी के पद में है लक्ष्मण सिंह, ये दोनों पंचायत के नियमित कर्मचारी है। इन दोनों के नाम से भी फर्जी दस्तावेज मास्टर रोल बनाकर अवैध रूप से शासन के पैसे को आहरण किया गया है, जो कि पूर्ण